वाराणसी जनपद के राजा तालाब में स्थित सिंचाई डाक बंगले पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे किया गया विदाई समारोह का आयोजन। इस समारोह में नलकूप चालक पद से सेवानिवृत्त तारकेश्वर उपाध्याय, छेदी सिंह, शिव नरेश शर्मा, शीतला लाल यादव, हौसला प्रसाद तिवारी सहित कुल 5 लोगों को विदाई दी गयी। इन लोगों को मुख्य अतिथि सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कमलेश प्रधान ने माला पहना कर स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्रम व रामायण की पुस्तक भेंट कर विदाई दिया। समारोह का संचालन संतोष कुमार सिंह तथा गोपाल नाथ उपाध्याय ने किया। इस दौरान रमेश चंद्र, नन्हेलाल धर्मदास, सुरेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से पीबीसी रिपोर्टर त्रिपुरारी यादव की ये रिपोर्ट। तो जिंदगी के बारे में कहा गया है कि जिंदगी का सिलसिला, जिंदगी में काफी कोई आदमी खुश हो जाता है, कहा कि यही जिंदगी तेरा सिलसिला, कभी हंसा दिया कभी दिया। तेरा वज में एक पड़ाव है, तेरी महफिल एक पड़ाव है, अब कोई आ गया कोई चला गया। वाह, यही कारण था, कारण था कि हमने आपको सबसे पहले आमंत्रित किया। ये महफिल है, महफिल ऐसी जिंदगी को ले लीजिए चाहे इसको भी ले लीजिए, कोई आता है कोई चला जाता है, एक दर्शन हमको मजाना है। और पाँचों लोग पुराने लोग, तो पुराने लोगों में अनुभव है कि स्त्री है और नए लोग को जो है सीखना पड़ता है। उन्हीं लोग सम्मान में कहना चाहूँगा कि साथियों, कलियाँ जो कलियाँ खिल रही हैं वो उनसे सलाह लें, कोई समस्या हो उनसे पूछें। और मैं उनसे, उन पांचों सदस्यों से जो रिटायर हो रहे हैं उनसे आग्रह करूँगा, वे 24 घंटा जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो उनकी जो कि जिज्ञासा को जो कि अपने ज्ञान से सामग्री दिलाएँ, के उनको बताएँ कैसे उनके कार्यशैली क्या है। अगली कड़ी में हमारे राकेश कुमार सिंह जी, हमारे सेवानिवृत्त साथियों का माल्यार्पण का स्वागत करें। माल्यार्पण की अगली कड़ी में हमारे वरिष्ठ शिक्षक निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह जी हमारे के साथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माल्यार्पण के अगली कड़ी में नन्हेलाल जी हमारे सेवानिवृत्त साथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कुछ अलग हो रहा है हमसे। तो साथियों, हमारे पांचों साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनका आज विदाई समारोह है। मैं चाहूंगा कि हमारे महामंत्री जी। We'll be right back.